माइक उठाइए। दीदी कहां से आई है? बीटा से आई है। ये भैया बीटा कहां पढ़ता है? दीदी क्या पूछने आई है? मेरी जिन्होंने भेजा है वो उनको आप जानती हो? नहीं। सही बताओ? नहीं जानते हैं। हाँ कोई बात नहीं दीदी, क्यों गुस्सा हो रही हो? गुस्सा नहीं हो रहा, डर रहे हैं। हाँ को डरो मत, आपका भाई बैठे ना, फिर बहन को क्यों डरना है? हाँ क्या है, क्या हो गया? मेरा पुत्र नहीं है, पुत्र चाहते। आपको बच्चा चाहिए? हाँ। तो आप कौन है, आपका नाम क्या है? रजनी देवी। पति का नाम? विनोद कुमार। आपने किसी को बताया? नहीं नहीं। हमने कहा रजनी देवी जी पुत्र होगा, विनोद कुमार की पत्नी है, दो संतानें आपके भाग्य में होंगी, आशीर्वाद है 100%, आपको बच्चा होगा, आशीर्वाद है। जाओ पांच मस्तक करो, बच्चा होगा और दो बच्चे होंगे तुम्हारे भाग्य में, तुम दो बच्चों की मां होगी, दो लड़कों की मां होगी। धन्यवाद गुरु जी। लाइए इस मंत्र को 108 बार करें। अब बोलिए बहन। मेरी बहन है दो, दोनों। नहीं नहीं मैं नहीं सुनूंगा दीदी, जितना समझ आया उतना लिखा। मेरी बेटी है, उसका ग्रोथ नहीं बढ़ता है, हार्ट पेशेंट है। हाँ। वो हम चाहते हैं कि ठीक हो जाए। मेरे हस्बैंड शुगर पेशेंट है, वो ठीक हो जाए, अच्छे से रहे, घर में सुख शांति रहे। पति का शुगर का तो अंदर लिखा हमने पढ़ लीजिएगा, और बेटी के बारे में भी हमने लिखा, वो भी पढ़ लीजिएगा। दीदी ये मंत्र करना है आपको, पढ़िए पढ़िए इसको, देखिए। ओम हाँ श्री, हाँ श्री श्री, हाँ जी जी, श्री श्री जी, फट फट स्वाहा, 108वां करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। कुछ चीजें दीदी आपने बोली हैं, हो सकता लिखा हो, बाकी के मैं जितना बताता हूँ उसके बाद पूरा पर्चा नहीं पढ़ता हूँ, मैं मूल पर्चा पढ़ता हूँ, शेष पर्चा पढ़ लीजिए, यदि आपने कहा होगा तो लिखा जरूर होगा, और जो नहीं लिखा होगा उसके लिए मैं नहीं लिख सकता, सुन के नहीं लिख सकता, आदेश होगा तो लिख दूंगा। अब द्वारा पर्ची के लिए इंतजार करें। रजनी नाम है ना आपका? हाँ। माइक क्या हो गया बताओ, माइक से बोलो, माइक से बोलो, क्या बोल रहे हैं? प्रभु हमको विश्वास नहीं हो रहा कि हम आपके पास आ गए, घर से चले हैं आपका प्रार्थना करके। क्या समस्या लेके आई माई बहन? आराम से बोलो, थोड़ा पास में आओ, पास में आओ, आ जाओ मेरी दीदी, अरे सिर पे पल्लू डाल लो, पल्लू डाल लो, ये ऐसे बताओ मेरी बहन क्या बात है? गुरु जी मेरा भाई का घर बस गया कि नहीं, मेरा भाई भौजाई मतलब कि भाभी लड़ती है, लड़ती है। क्या नाम भैया का? अनुपम कुमार। अनुपम, और भाभी का? मंजूषा। है मंजूषा, अनुपम कुमार मंजूषा, दोनों आपस में प्रेम से नहीं रहते, समाधान होगा, आशीर्वाद है। गुरु जी पहले यहाँ पढ़ो, हम आंखों फाड़ फाड़ के देखो, क्या जो गए क्या इनसे मेरी सेटिंग ठीक है नहीं थी मेरी बहन से? भाभी पूरा नाम क्या लिखती है? मंजूषा कुमारी। मंजूषा क्या होता है? देवी बोलो, कुमारी कहाँ से? मंजूषा। हाँ मंजूषा देवी। और भाई? भाई अनुपम कुमार। जाति बोलो, अनुपम तो हमने लिखा, जाति हलवाई। अच्छा स्त्री मारपीट करती है क्या? जाना ही नहीं चाहती है, उसको रखना चाहता है मेरा भाई, लेकिन कहती है नहीं, दूसरे के सिखावा पर है कि हम नहीं जाएंगे, छोटा बच्चा है, एक बच्चा मेरी माँ के पास रहती है, मेरी माँ के। ये बहन मंत्र कर लेना, हमारी गारंटी बहू के होश ठिकाने लग जाएंगे, ये मंत्र कर लेना, गारंटी हमारी कि तुम्हारी भाभी जो कहे कि हाय भैया ही चाहिए और कोई नहीं, इस मंत्र को हम, लेकिन इसको करना पड़ेगा। ओम क्लीम फट स्वाहा 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारे वंदन करें, गुरु कृपा होगी, और तलाक नहीं होगा, गलत है सुधार हो जाएगा, और भाई को भाभी का प्यार मिलेगा, आशीर्वाद है। कहां से आई हो? पटना से। क्या समस्या लेके आई है? क्या हो गया इनको? कैंसर हुआ। कब हुआ है? 2 साल पहले। हाँ 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ। कितना पैसा खर्च कर चुके हैं अभी तक? कितना पैसा खर्च किया मैं पूछना चाहता हूं? 14-15 लाख। क्या तुम 51,000 रुपए खर्च करोगे? जाओ कैंसर मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन हमें चाहिए लगत हाथ में, और फिर वो पैसा लगाना कहां है? अपने हाथ से किसी कन्या के विवाह में लगा देना, और जाओ तुम कैंसर ठीक हो जाएगा।
पहले संकल्प लेना पड़ेगा। ठीक की गारंटी मैं देता हूं, पंडुकर सरकार की भभूति ग्रहण कर लेना, और नहीं तो 2024 17 मई आपके लिए ठीक नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आपकी लंबी उम्र हो, मैं ईश्वर नहीं हूं, ना राई घटे ना राई बढ़ाए, मत मैंने तो आपको होने वाले गति अवरोधों का मार्गदर्शन किया है। सुनिए क्या लिखा, सुने क्या लिखा, ये पकड़ना नहीं है। हमने लिखा जयप्रकाश अस्थाना गंभीर रोग है, क्या लिखा है, कैंसर रोग है, 2026 तक भारी खतरा से गुजरना पड़ सकता है, स्थिति विपरीत है, आपका तीसरा स्टेट पार हो चुका है, परंतु इस समय दवा से कंट्रोल और लाभ है। महामृत्युंजय का अनुष्ठान होगा, हनुमान पताका का पाठ होगा, आयुर्वेदिक दवा लेना पड़ेगी, पंडोकर धाम 5 मौसा करनी पड़ेगी, और गलती करने पर आगे ईश्वर मालिक।